नमस्कार मित्रों, चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्म दिवस होने के विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कथा के अनुसार जब अग्निदेव से मिली खीर राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांटी तो किकई के हाथ में से एक चील ने झपटा मारकर कुछ खीर मुँह में ले ली और वापस उड़ गई। चील जब उड़ते उड़ते देवी अंजना जी के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी तो अंजना जी ऊपर देख रही थी। अंजना जी का मुंह खुला होने के कारण खीर का थोड़ा भाग उनके मुंह में आकर गिर गया और अनायास ही वह उस खीर को खा लिया, जिससे उनके गर्भ से शिवजी जी के अवतार हनुमान जी ने जन्म लिया। चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा के मंगलवार के दिन जनेऊ धारण किए हुए हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती उसी दिन के रूप में मनाई जाती है। हनुमान जयंती के दिन श्रद्धालु जन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सिंदूर का चोला, लाल वस्त्र, ध्वजा आदि मंदिर में चढ़ाते हैं। केशर मिला हुआ चंदन, फूलों में कनेर आदि के पिलोए फूल, धूप, अगरबत्ती, गाय के शुद्ध घी, आटे के घी में सिके हुए गुड़ मिले हुए लड्डू, जिन्हें कसार के लड्डू भी कहा जाता है, उनका भोग हनुमान जी को लगाया जाता है। नारियल और पेड़ों का भोग भी लगाने से भगवान श्री हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूरमे का भोग भी भगवान जी को लगाया जाता है। फलों में केले का फल चढ़ाने से भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। कपूर से श्री राम भक्त हनुमान जी की आरती की जाती है, परिदक्षिणा करके नमस्कार किया जाता है। इस दिन भजन कीर्तन और जागरण करने का भी विशेष महत्व है। श्री हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड जी का, हनुमान चालीसा जी का पाठ किया जाता है। इस तिथि में कई जगह पर मेले भी लगते हैं। जहाँ मेले लगते हैं उन स्थानों में से प्रमुख स्थान हैं सालासर जी और मेहंदीपुर। स्थान प्रमुख हैं जहाँ हनुमान जयंती पर मेले का आयोजन होता है। तो मित्रों, हनुमान जयंती की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह कथा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें।